नमस्कार बच्चों, आज के कक्षा चौथी विषय गणित के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 14 पैटर्न और पहेली के अंतर्गत हम लोग सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत M420। तो बच्चों, तुमने घरों, गलियों, सड़कों, बगीचों में कई तरह की टाइल्स या पत्थर के टुकड़े लगे हुए देखे होंगे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि टाइल्स की जमावट कैसे होती है। यहाँ पर आप विभिन्न आकृति के टाइल्स देख रहे हैं, जैसे उद्यान में लगे टाइल्स, रेलवे स्टेशन में लगे टाइल्स, फुटपाथ में लगी टाइल्स और घर में लगी टाइल्स। यहाँ पर भी हम विभिन्न आकृति के टाइल्स देख रहे हैं जो भिन्न भिन्न जगह में लगी हुई होती हैं। इन टाइल्स को फर्श पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि ये पूरी तरह फर्श पर फैल जाए और बीच में कोई भी खाली जगह ना बचे। आइए यहाँ एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। अपनी पसंद के टाइल्स बनाकर आप इसमें रंग भर सकते हैं। अब हम स्वयं का टाइल्स बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपको एक मोटे कागज़ का एक टुकड़ा लेना है, उस पर 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना है। वर्ग के किसी भी किनारे पर एक त्रिभुज बनाना है आपको। इस टाइल्स को ड्राइंग शीट या पेज पर रखकर पेंसिल से एक आउटलाइन बनाएं। ऐसी ही एक के बाद एक बनाओ। ध्यान रखो कि बीच में कोई भी जगह खाली ना छूटे। पैटर्न आपको इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। अभी हमने कुछ पैटर्न देखे, आइए कुछ पहेली बूझते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर एक पहेली है, 8 तिलियाँ लेकर ऐसी आकृति बनाओ। अब 3 तिलियों का स्थान ऐसे बदलो कि चित्र की दिशा उलट जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तीली जो है किस प्रकार से सीधी जमी हुई है। अब हम इसमें से 3 तिलियाँ ऐसे हटाएंगे कि उसकी दिशा उलट जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक तीली जो है अपने स्थान उसको बदल के हम दूसरी जगह रखें, दूसरी तीली भी हम दूसरे स्थान पर रखें और तीसरी तीली भी उनके स्थान को बदल दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम 3 तीलियों का स्थान बदल दिए हैं, जिससे उसकी आकृति उल्टी हो गई है। दूसरे पहली में हम देख पा रहे हैं, चित्र की 3 गोलों का स्थान इस प्रकार बदलो कि चित्र की दिशा उलट जाए। यहाँ पर एक आकृति में आप देख रहे हैं गोले की आकृति सीधी बनी हुई है। अब हम 3 गोलों का स्थान इस प्रकार बदलेंगे कि उसकी भी दिशा उलट जाए। यहाँ पर एक गोला ऊपर से हम नीचे की ओर लाएं और 2 गोले जो हैं नीचे से ऊपर की ओर ले गए, जिससे उसकी चित्र की दिशा उलट गई। अब हम देखेंगे कि चित्र में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति में दिख रहा होगा बहुत सारे वर्ग बने हुए हैं। अब हम उसको एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंतर्गत कितने वर्ग बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंदर की एक वर्ग जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा वर्ग भी है, तीसरा वर्ग आप देख पा रहे हैं बाईं ओर से आ रहा है, चौथे वर्ग पे भी आ रहा है बाईं ओर से, पाँचवा वर्ग, इसी प्रकार छठवा वर्ग, सातवा वर्ग, आठवा वर्ग, नौवा वर्ग और 10वां वर्ग। इस प्रकार से हम समझ पाएँ कि इस आकृति में कुल 10 वर्ग हैं। अब इसी प्रकार आप प्रत्येक चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएंगे, जिसमें आपको 3 आकृति दिख रहा है। पहली आकृति में आपको कितने त्रिभुज है ये बताना है, दूसरी आकृति पे वर्ग पे बहुत सारे त्रिभुज बने उसको बताना है आपको, और तीसरी आकृति में भी आपको कितने त्रिभुज है उसको बताना है। यहाँ पर 5 वर्ग बने हैं। किन्हीं भी 4 भुजाओं का स्थान इस तरह बदलो कि 7 वर्ग बन जाए। यहाँ पर 10 पत्थरों की पंक्तियों में इस प्रकार रखो कि हर एक पंक्ति में 4 पत्थर दिखाई दें। बच्चों, इस प्रकार की कई पहेलियाँ बाल पत्रिकाओं में भी होती है, उन्हें भी हल करो व खुद भी ऐसी पहेलियाँ बनाओ और अपने दोस्तों को भी हल करने के लिए दो। आइए बच्चों, अब हम कुछ दिमाग की कसरत के कुछ सवाल देखते हैं, जिसमें अंतिम डिब्बे में क्या होगा ये हम जानेंगे। पहले डिब्बे में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक तिरछी लाइन है। उसके अगले डिब्बे में क्या हो रहा है कि 2 तिरछी लाइनें आ गई। उसी प्रकार तीसरे डिब्बे में क्या हो रहा है, फिर 1 तिरछी लाइन इसमें जुड़ गई, तो कितनी तिरछी लाइन हो गई, 3 तिरछी लाइन। तो यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक के डिब्बे में एक एक तिरछी लाइनें बढ़ रही है। तो बच्चों आप बताओ कि अगले डिब्बे में कितनी तिरछी लाइनें होंगी। तो यहाँ पर 4 तिरछी लाइनें होंगी। दूसरे क्रम में देखते हैं, यहाँ पर पहले डिब्बे में है 2 खड़ी लाइनें और 1 आड़ी लाइन। अगले डिब्बे में क्या हो रहा है, 2 खड़ी लाइनें तो हैं लेकिन उसमें 1 आड़ी लाइन बढ़ गई, कुल मिला के 2 आड़ी लाइन हो गई। तीसरे डिब्बे में क्या हो रहा है,
दो खड़ी लाइनें हैं और तीन आड़ी लाइनें हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक आड़ी लाइन बढ़ रही है। तो बच्चों बताओ यहाँ पर कि अगले डिब्बे में क्या होगा। तो यहाँ पर अंतिम डिब्बे में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दो खड़ी लाइनें हैं और एक आड़ी लाइन बढ़ने की वजह से यहाँ पर चार आड़ी लाइनें हो जाएंगी। तीसरे क्रम में देख रहे हैं कि चार बिंदुएं हैं, अगले डिब्बे में क्या है, एक बिंदु कम हो गई तो कितनी हो गई, तीन बिंदुएं। अगले क्रम में क्या हो रहा है, फिर एक बिंदु कम हो गया तो दो बिंदु हो गई। तो बच्चों बताओ अंतिम डिब्बे में कितनी बिंदुएं होंगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बिंदु हो जाएगी। चौथे क्रम में देख रहे हैं क्या होगा, पहले डिब्बे में चार बिंदुएं हैं और एक खड़ी लाइनें हैं, दूसरे डिब्बे में एक बिंदु कम हो गई, कुल मिला के तीन बिंदुएं हैं लेकिन खड़ी लाइनें एक बढ़ गई, मतलब दो खड़ी लाइनें और तीन बिंदुएं। अगले डिब्बे में फिर एक बिंदु कम हो गई और एक खड़ी लाइनें बढ़ गई, तो कुल मिला के तीन खड़ी लाइनें हो गई और बिंदुएं दो रह गई। तो बच्चे बताओ अगले क्रम में कितनी खड़ी लाइनें रहेंगी और कितनी बिंदुएं रहेंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि खड़ी लाइनें एक बढ़ गई तो कुल मिला के हो गई चार खड़ी लाइनें, और एक बिंदु फिर कम हो जाएगी तो हो जाएगी एक बिंदु, तो कुल मिला के एक बिंदु और चार खड़ी लाइनें। अब अंत में हम देख रहे हैं पहले डिब्बे में क्या हो रहा है कि एक बिंदु है और एक खड़ी लाइनें हैं, दूसरे डिब्बे में क्या हो रहा है कि जो खड़ी लाइनें हैं वो ऊपर की ओर चली गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो खड़ी लाइनें हैं वो घड़ी के विपरीत दिशा की ओर जा रही है। अगले क्रम में क्या हो रहा है, बिंदु अपने स्थान पे है लेकिन जो ऊपर की लाइन थी वो बाईं ओर चली गई। तो अगले क्रम में क्या होगा बच्चों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बिंदु है वो अपने स्थान पे है लेकिन जो बाईं ओर जो खड़ी लाइन थी वो नीचे की ओर आ गई। तो यहाँ पर बच्चों अब तुम भी करो और देखो कि अगले क्रम में क्या होगा। तो बच्चों अभी हमने दिमागी कसरत के कुछ सवाल यहाँ पर देखे, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर एक गृह कार्य है जिसको आप लोग घर में करेंगे। आज हमने अध्याय 14 पैटर्न पहेली के बारे में जाना कि कैसे पैटर्न और पहेली किस प्रकार से बनता है। अब हम अगली क्लास में फिर नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।